नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट, आज आपको हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हर्पीस सिंप्लेक्स 1 एंड हर्पीस सिंप्लेक्स 2। तो अगर आप भी इस वायरस से ग्रस्त हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सअप नंबर रहेगा, कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे अपॉइंटमेंट बुक करें। तो आज हम जानेंगे ये क्या होता है, किनको होता है, क्या कारण है, क्या इलाज है और क्या इन्वेस्टिगेशन है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस क्या होता है, ये अलग है चिकन पॉक्स से थोड़ा, जो बच्चों में होता है, और वेरिसेला जोस्टर, हर्पीस जोस्टर, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो ये हर्पीस वायरस है, पहले तो हम बात करते हैं ये HSV-1 और HSV-2 में डिफरेंस क्या है। जैसे वेस्ट से ऊपर देखें तो HSV-1 और वेस्ट के नीचे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो HSV-2। तो HSV-1 के अंदर क्या होता है, आंखों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हर्पेटिक कैरेटाइटिस, कान का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ईयर में, ठीक है, लिप्स के हर्पीस लेबियालिस, तो ये HSV-1 में हो रहा है। उसके अलावा ओरल कैविटी, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, ये इन्वॉल्व होते हैं, और कई बार ब्रेन को भी ये इन्वॉल्व करता है, तो हर्पीस एनसेफेलाइटिस वगैरह करता है। पर ये किन को करता है, जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, या आपके बैक में हो जाए, चेस्ट पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए अपर एरिया में, तो ये HSV-1 है, ठीक है। अब HSV-2 क्या होता है इसको समझिए, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेस्ट से नीचे, फॉर एग्जांपल जेनिटल एरिया आ गया, जैसे आपके पेनिस के शेफ्ट पे ब्लिस्टर्स हो जाए, बेलनाइटिस जो कि बहुत पेनफुल हो, या फिर एनस में हो जाए, और अगर फीमेल है तो वजाइना में हो जाए, या उसके लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा पे रहें, मल्टीपल ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो ये हर्पीस का हो गया। अब इनका क्या होता है, जो ये ब्लिस्टर्स होते हैं इनको फोड़ना नहीं होता। क्यों नहीं फोड़ना होता, क्योंकि इसी में वायरस होता है, और ये वायरस टच करने से भी फैल जाता है, और जिस जिस जगह जाएगा वहां स्प्रेड हो जाएगा। अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो ये फटता है और वहां घाव बन जाता है और बहुत दर्द करता है, तो ट्रीटमेंट जरूरी है, ठीक है, दोनों ही चीजों का। अब ये किनको होता है, देखो ये ज्यादातर होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स हो, अब मल्टीपल पार्टनर्स हो या फिर कोई इन्फेक्टेड एक ही पार्टनर से आ गया हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं मल्टीपल पार्टनर हो, पर एक कोई इन्फेक्टेड पार्टनर था उससे आ गया हर्पीस वायरस। अब इसमें क्या होता है, ये और किनको हो सकता है, जैसे आपने हर्पीस वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट के पस को टच कर लिया तो आपको हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज कर लिया, कपड़े यूज कर लिए जिसमें इन्फेक्शन था, उससे फैल सकता है, ठीक है। किस से फैल सकता है, किस करने से ये स्प्रेड होता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, तो ये सारे इसके कारण है स्प्रेड होने की। अब हम बात करेंगे, जैसे कॉजेज आपको पता चल गया, सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए, दर्द होगा, खुजली जैसा मन करेगा, और कई बार जो ब्लिस्टर हुआ है उसमें पस जैसा भी जम जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है। अब ये वायरस का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है कि हम इसका ट्रीटमेंट लें, अगर आपको सिम्टम है तो आपको ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर और क्या रहता है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ ये धीरे धीरे कम हो जाता है या बिल्कुल चला जाता है, तो उस समय हम क्या करें, देखो उस समय ऐसा कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता जब ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, मतलब बिल्कुल बॉडी में अब नहीं है कोई सिम्टम्स, पर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रखना होता है। जब भी आपको बुखार होगा या आपका इम्यूनिटी सप्रेस होगा, ये वायरस एक्टिव हो जाएगा बॉडी में, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस वायरस का क्या है, एक्टिवेशन जब होगा, जब आपको बुखार होगा या शरीर का इम्यूनिटी वीक होगा, तो इसमें ऐसा रह सकता है कि हम ऐसा डाइट लें, एक बार तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना जरूरी है, ट्रीटमेंट से बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शन नील, पर इसमें क्या रहेगा, आपको इम्यून सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम मतलब डाइट, एक्सरसाइज, योगा, फूड एंड कुछ तरीके के न्यूट्रिशन, वो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। तो जब आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा तो इसके एपिसोड्स आपको कभी आएंगे नहीं, ठीक है। अब ये वायरस क्या रहता है, आपके नर्व्स में रहता है, तो ये इन्वॉल्व करता है ट्राइजेमिनल नर्व, तो मैंने एक वीडियो बनाया था ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो ये उस तरीके का पेन भी क्रिएट करता है, सीवियर पेन, या फिर कई बार बॉडी पेन, फुट पेन, आपके हाथ पैरों में दर्द, वो नर्व के कारण होता है, ठीक है, हर्पीस वायरस जो नर्व इन्वॉल्व होती है उनमें।
अब ये और किन में होता है? रेसलर्स में होता है, जो फाइटिंग करते हैं, जो कुश्ती करते हैं, पहलवान होते हैं। जैसे कोई अर्पीज से इन्फेक्टेड है, वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं, और जब उनको रगड़ लगती है और एक दूसरे को इंजरीज देते हैं वो, तो उससे भी ये ट्रांसमिट होता है। उस तरीके के हर्पीस को हम बोलते हैं ग्लैडियोटोरम, हर्पीस ग्लैडियोटोरम। ठीक है, ये अपने आप भी रिजॉल्व हो जाता है। अगर सीएनएस का हर्पीस है तो हमें लंबर पंक्चर से देखना होता है। अब ये कहते हैं कि हर्पीस वायरस मां से बच्चे को जा सकता है, ये जा सकता है मां से बच्चे को। ठीक है, पर कब जा सकता है? वजाइनल डिलीवरी के दौरान। ठीक है, उस समय उसके सिक्रीशंस, गंदे फ्लूइड वगैरह लगेंगे तो बच्चे में हो सकता है। अब इसका ये रहेगा मेन, हर्पीस वायरस है तो क्या आदमी को शादी करनी चाहिए? क्या अपनी वाइफ को वो दे सकता है? तो देखो, ये ट्रांसमिट जब ही करेगा जब ये इन्फेक्टेड स्टेट में होगा पेशेंट। इन्फेक्टेड स्टेट मतलब उसके कोई जेनाइटल सोर्स हो रहे हों, या हम बोलेंगे मल्टीपल अल्सर्स हो रहे हों, जो कि पेनफुल ब्लिस्टर्स हों जेनाइटल एरिया में, और वो उस कंडीशन में इंटरकोर्स करता है, तो जरूर फीमेल में ट्रांसफर होगा। पर वो असिम्टोमेटिक है, अब उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो चांसेस नहीं रहते हैं कि वो ट्रांसमिट करे। ठीक है ना, कम चांस होंगे, बिल्कुल नील के बराबर। तो मैंने क्या कहा, आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट रखिए, और ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम या रेयर बीमारी है। जैसे मैं बनाता हूँ रेयर डिजीजेस पे वीडियोस, तो ये मोस्ट कॉमन है, हम कहेंगे यंग पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, 19 के बाद 45 की एज में काफी कॉमन है। ठीक है, कई बार आप देखोगे किसी को लिप पे रहता है, किसी को आईज में केराटाइटिस होने लगता है, तो वो हर्पीस के लिए, उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलता है कुछ समय बाद। फिर आपको जो मेजर ध्यान रखना है वो यही है, इम्यून सिस्टम। इससे डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जो बहुत डर गए थे कि हर्पीस क्या है क्या नहीं है, शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए नहीं करने चाहिए, बहुत ही डिप्रेस थे। तो उनके लिए मैसेज है, भाई डरो मत, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लो। ऐसा नहीं है कि जीवन भर ट्रीटमेंट लेना है, एंटीवायरल खाने, ऐसा नहीं है। इसमें आप एक बार अपने सिम्टम्स को ठीक कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या देते हैं। देखो, एंटीवायरल दे सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है, आप फैमिली भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन यूज कीजिए, बेबी भी हो सकता है। और इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए, इम्यूनिट सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। अब इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पर यह है कि आप लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर असिम्टोमेटिक रह सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी किसी प्रकार की। तो इसमें लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, और अपने शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है, तो आपको इसके कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, और आप किसी में इसको ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे। ठीक है ना, देखो सलाइवा से भी कब होता है ये इन्फेक्शन? जब आपको कोई वहां पे सोर हो इन्फेक्टेड, या आपका टंग कट रहा हो, तो आप दूसरे में ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग किसिंग और ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी मैंने बताया। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई रैशेस कुछ भी नहीं है, तो काफी ना के बराबर चांस होता है कि ये ट्रांसमिट हो, और इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में ये है। और मैंने क्या कहा, इम्यून सिस्टम बूस्ट रखिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई ब्लिस्टर नहीं आएगा, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी, कोई थकान नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पर इसका प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही समझा रहा हूँ। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चिकन पॉक्स के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और हर्पीस जॉस्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी बीमारियों के बारे में जानने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे या इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट डालें, कोई बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो। अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन जो आपका पस है उसका हम कल्चर कर सकते हैं। उसके अलावा पीसीआर, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट है, एंटीबॉडीज टेस्ट हम इसमें करके देख सकते हैं। बाकी जो इसका इन्वेस्टिगेशन है वो क्लिनिकल होता है, देख के ही समझ में आ जाता है। लिप पे दिखा हर्पीस लेबियालिस, आईज पे दिखा कैरेटाइटिस, फिर यहां से जा रहा है ट्राइजेमिनल नर्व के साथ, तो ये बहुत ईजी रहता है डायग्नोस करना क्लिनिशियंस के लिए। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार, गुड बाय।